हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचा। आज अपन 10th क्लास की साइंस के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का अपना लेक्चर नंबर 08। अपन ने 7th लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र वहाँ पे क्या रहता था, 1/u + 1/v बराबर 1/a। यू क्या था, दर्पण से बिंब की दूरी, वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, एफ दर्पण की फोकस दूरी। इस सूत्र के अंदर ये सभी वैल्यू चिन्ह सहित रखनी, अर्थात चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना। चिन्ह परिपाटी का ध्यान कैसे, कि जैसे दर्पण से दूरी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेनी और नेगेटिव है तो नेगेटिव लेनी है। ये सूत्र के द्वारा अपन आसान से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके जरूरी कुछ क्वेश्चन से करने से पहले अपन बात करें आवर्धन संबंध। मैग्निफिकेशन फॉर्म आवर्धन क्षमता क्या कहता है कि बिंब की तुलना में कोई दर्पण, ये किसी किसकी और क्षमता दर्पण की, कि दर्पण है वो बिंब की तुलना में प्रतिबिंब को कितना बड़ा या कितना छोटा कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। ठीक है, कि बिंब को बड़ा या छोटा करने की क्षमता, या फिर अपन लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाएगा, आवर्धन क्षमता। और उसको मैग्निफिकेशन फॉर्म के आंसर द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, वो होता है h' / h, वो होगी ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और की कहलाएगी बिंब की ऊंचाई। अगर चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखें तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक लेते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक ले जाते हैं, तो ये अपने पास माइनस जाएगा n = -h/h। और इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि m बराबर माइनस का v/u, ये कहलाएगी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी / दर्पण से बिंब की दूरी। तो ऊंचाई अपन को पता नहीं है, अपन को फॉर्मूला हमेशा यही अप्लाई करना है, m = -v/u। ये मात्रक हीन रहेगी, इसकी कोई क्षमता, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो ये कैसा होगा, मात्रक हीन राशि। ठीक है, जैसे कैसे बताएगा, 2 गुना प्रतिबिंब बड़ा, 3 गुना या इसका 1/4 होना इसका। तो अपने पास किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 2 ही सूत्र, 1/u + 1/v बराबर 1/f, और दूसरा आवर्धन क्षमता m = -v/u। अब यहाँ पे m का मान देखिए, दोनों पॉसिबल है, एक तो m का मान अपने पास हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू और एक होता है m की वैल्यू नेगेटिव। m का मान पॉजिटिव वैल्यू का अर्थ क्या हो, यहाँ पे एक दूसरे के ये नेगेटिव, इस दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब दोनों एक दर्पण की दिशा में हो, एक दूसरा दर्पण की विपरीत दिशा में, और ये कब पॉसिबल, ये दर्पण है इससे दूरी हमारे पास ये नेगेटिव रहेगी और यहाँ से पॉजिटिव रहेगी। अगर इसको पॉजिटिव होने के लिए इस दोनों में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब बीम अगर यहाँ पर है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बने, और यहाँ बनने वाली कंडीशन विपरीत और कौन सी होती है, आपस। तो ये हमेशा कैसा होगा,
प्रतिबिंब आभासी तथा आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं, और ये कौन सा होगा नेगेटिव मतलब वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा हो सकता है कि एम बी की वैल्यू एक से बड़ी और एम की वैल्यू एक से छोटी। एक से बड़ी होने का अर्थ क्या है, यू है बी से छोटा, यू है वो बी से छोटा है, मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो क्या बनेगा बड़ा, और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा छोटा। तो आवर्तन समता से भी अपन प्रतिबिंब की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। अगर एम आवर्तन समता पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी एवं सीधा, आवर्तन समता नेगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा। अगर एम कैटेगरी कुछ इस प्रकार से है कि एम की वैल्यू माइनस का टू, एम की वैल्यू माइनस का टू, माइनस का कैसा वास्तविक एवं उल्टा, दो का मतलब कैसा वास्तविक उल्टा एवं बड़ा। अब स्थिति का पता अपन इस सूत्र से लगेंगे और प्रकृति का पता अपन इससे लगा पाते हैं। ये दर्पण सूत्र और आवर्तन समता। आवर्तन समता क्या कहलाती है, किसी भी दर्पण के द्वारा वस्तु या बिंब को आवर्तित या बड़ा या छोटा करने की क्षमता होगी वह क्या कहलाती है आवर्तन। आवर्तन समता प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, या फिर कह सकते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से बिंब की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है आवर्तन समता कहलाता है। तो अपने पास किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के लिए इस दोनों सूत्रों को ध्यान में रखना है। चले इस पर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अब फोकस दूरी धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और उत्तल के लिए धनात्मक। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू दे रखी है वो हो जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। दूसरा वस्तु यू बी परावर्तक पृष्ठ की साइड में, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अपन को प्रतिबिंब की स्थिति याद करना, एक तो V का मान ज्ञात करना, दूसरा आवर्तन क्षमता, ठीक है ये ज्ञात करना। तो अपन पहले दर्पण सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र से कि 1 upon U + 1 upon V = 1 upon A, 1 upon U = 20 + 1 upon V 1 upon -10, एंड इसको इधर भेजिए तो 1 upon V = 1 upon -10 + 1 upon 20। यहाँ पे एलसीएम लेंगे से इसे 20 लिया, यहाँ पे कितना लगा माइनस का 2 प्लस का 1, 1 upon V = -1 upon 10 अर्थात वी इसको भी कितना आएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, कितना है माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी की वैल्यू भी देगी माइनस, अर्थात जहाँ बीम रखा है उतनी ही दूरी पर काम बना प्रतिबिंब बना। अब बात करें आवर्तन समता के बारे में, एम इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन यू, तो एम की वैल्यू माइनस का 20 अपॉन माइनस का 20, तो एम की वैल्यू क्या है माइनस का 1। तो ये आवर्तन समता क्या बता रहे थे, एम की वैल्यू एम बराबर 1 का अर्थात वस्तु के आकार के बराबर, आकार के बराबर। एम की वैल्यू माइनस है अर्थात कैसा होगा वास्तविक उल्टा, और कहाँ पर बना जहाँ पर वस्तु रखी है वहीं पर, और ये अवतल दर्पण की कौन सी पोजीशन होती है वक्रता केंद्र पर, तो यही तो है फोकस दूरी की दुगुनी होती है वक्रता त्रिज्या, और उसी पॉइंट पर अपन ने बिंब रखा तो उसी बिंदु पर क्या बना प्रतिबिंब बना, और एम की वैल्यू माइनस टू की सेम प्रकृति यहाँ से अपन पता लगा सकते, ठीक। ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं,
अब देखिए बड़ा क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने रखा परावर्तक पृष्ठ के सामने है, ये बिंब की स्थिति दे प्रतिबिंब की है, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। यदि दर्पण की फोकस दूरी एफ इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है अवतल के लिए माइनस, तो बीम की दूरी यू की वैल्यू पर वो फाइंड आउट कर, तो सेल दर्पण सूत्र से अपन लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। ठीक, तो पास 1/-98 बराबर 1/u क्या करना और प्लस का 1/-100 का 100 आसे 1/u इज इक्वल टू आ जाएगा 1/98 प्लस का 1/100 तो 1/u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 98 ऐसा माइनस का है तो ये हो जाएगा कितना 100 और यहाँ पे बचेगा 98 देन 1/u is equal to 2/-98 then 1/u is equal to कितना हो जाएगा 1/-490 अर्थात u की वैल्यू कितनी है माइनस का 49 सेंटीमीटर। इतना दूर रखेंगे ये पोजिशन कौन से है अवतल दर्पण में देखा जाए तो अवतल दर्पण के सामने ये प्रतिबिंब का फोकस दूरी की एफ है कितना है 98 और यहाँ पर प्रतिबिंब बना और सी व एफ के बीच प्रतिबिंब बनना का मतलब कहाँ पर है कि वक्रता केंद्र से दूर प्रतिबिंब कहीं पर है बिंब है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब यहाँ पर बनता तो अनंत वक्रता केंद्र के मध्य वाली पोजिशन ही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी अपने पास पूछे जाते। एक और क्वेश्चन करते हैं, अब देखिए सेविंग दर्पण यहाँ पे कहा किसी दर्पण का अवतल या उत्तल दर्पण का पता। ठीक है, आपको पता है सेविंग दर्पण कौन सा होता है अवतल। ठीक, उसके अंदर 20 सेंटीमीटर दूरी पर व्यक्ति खड़ा था तो क्यू इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब वी इज इक्वल टू माइनस का 40 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है फोकस दूरी और आवर्धन क्षमता। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने ये क्या है सेविंग दर्पण, सेविंग दर्पण आपको पता है कौन सा होती अवतल दर्पण। ओके, तो वह दर्पण सूत्र से 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f तो 1/u माइनस का 20 प्लस 1/-40 इक्वल टू 1/f 1/s is f is equal to माइनस का 40 या 40 ले लेते हैं 40 के अंदर 20 का तो माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 1। ओके, यही तो आएगा 40 से आपके पास डिवाइड करें तो ये 2 होगा माइनस 2 का और प्लस का यहाँ पे बात करें माइनस का 1/f इज इक्वल टू माइनस का 3/40 तो f इज इक्वल टू माइनस का 40/3। ठीक, सेंटीमीटर। अपन को m क्या करना है m इज इक्वल टू माइनस का v/u तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 40/-का
20, तो m इज इक्वल टू माइनस का 2, अर्थात कैसा, दुगुना बढ़ और वास्तविक है वो उल्टा प्रत्यय। ठीक है, तो ये अपने पास ऐसे क्वेश्चन भी है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे दे रखा है उत्तल दर, क्या दे रहे उत्तल, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव, तो f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और u इसके लिए कैसा रहेगा, चाहे उत्तल हो चाहे उत्तल, नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। आपको v ज्ञात करना और दूसरा आवर्धन संख्या से अपन उसकी प्रकृति एवं आकार को बताएंगे। तो दर्पण सूत्र चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, दोनों के लिए सेम रहेगा कि 1 upon u plus 1 upon v बराबर 1 upon f 1 upon u minus 50 plus 1 upon v बराबर 1 upon 20। तो 1 upon v इधर जाएगा पॉजिटिव, 1 upon 20 plus 1 upon 50, तो 1 upon v इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा, तो चलो 60 ले, तो ये 3 बार प्लस 4, तो 1 upon v इज इक्वल टू 7/60 या v इज इक्वल टू पॉजिटिव 60/7, तो ये लगभग कितना आएगा, v इज इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर। दूसरा आवर्धन संख्या m देख लेते हैं, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, m इज इक्वल टू माइनस का v कहता है ये 60/7 और u की वैल्यू माइनस का 50, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/7, तो m इज इक्वल टू प्लस का 4/7। अब यहाँ से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए u की तुलना में प्रतिबिंब छोटा है, अनुपात प्लस का 4/7, अर्थात m की वैल्यू कैसी है, बात करें तो m को एक तो पॉजिटिव वैल्यू और m की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका पॉजिटिव का मतलब कैसा होगा, आभासी उल्टा सीधा सॉरी आभासी व सीधा, m लेस देन 1 का मतलब कैसा होगा, छोटा कहां पर बनेगा, ये इसकी फोकस दूरी, तो अपन कह सकते हैं दर्पण और f के मध्य हमेशा बनता है उत्तल दर्पण का, तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो अपन ने दर्पण के प्रतिबिंब बनाना सीखा, दर्पण सूत्र देखा, इससे बनने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे, अब अपन आगे घटना देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, तो अगला लेक्चर अपना रहेगा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे घर पे ही क्वेश्चन करते रहे, कोई डाउट हो तो कमेंट में क्वेश्चन पूछते रहे, धन्यवाद।